2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं बैठक को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस बैठक में 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं के जन जन तक पहुँचाने के साथ चुनावी जनसभा, रैली, सम्मेलन को लेकर चर्चाएं की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक राजनीतिक दल होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी, किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा और उसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और पांचों की पांचों सीटें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आज तो पूरा देश मोदीमय है, आज पूरा देश राममय है, आज करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का मंदिर जिसका लोकार्पण मोदी जी करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 प्लस का नारा दिया है और विकसित यात्रा में और अक्षत प्लस यात्रा में मैं जहां जहां भी गया मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जहां 400 सीटें आने वाली हैं वहीं मतों का अंतर बहुत अधिक होने वाला है। तो बूथ होगा, पन्ना प्रमुख होगा, कैसे कैसे रणनीति और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर चल रही है। पंचायत स्तर तक हम लोग उसको ले जा रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का जिस तरह विजन है, जिस तरह विकास की यात्रा दौड़ रही है, विकास के कार्य जिस तरह जनता के लिए उन्होंने किए हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा, बातचीत और उस रणनीति तक हम लोग पहुँचेंगे।